लग गया, उसको खाना खिला दिया था मैंने और अभी मैं उसको सुलाने के लिए आई हूँ। और ये गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। और आज का व्लॉग है शादी के अगले दिन सुबह का। रात को हम लोग आ गए थे फेरे वेरे होने के बाद, शादी हो चुकी थी। और अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि खाना तो बन ही रहा है शादी वाले घर में, लेकिन अब ये खाना खा के बोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और अब वो खाना भाव भी नहीं रहा, सही बताऊँ तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। पीयू के लिए मैंने बना दिया उपमा और हम लोग करेंगे आलू के पराठे का ब्रेकफास्ट। आलू मैंने बॉईल कर दिया और बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना बना रही हूँ नीचे बैठ के। हालांकि चूल्हे पे तो नहीं बना रही, चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा है, गैस पे बनाऊंगी फिर। चूल्हा तो अभी मुझे यूज़ करना नहीं आता है। हाँ आटा नहीं गिराते, रुको छोड़ो, अपना स्कूटर चलाओ, गो। थक जाओ तो बैठ जाना। और बस यही अपडेट है। और शाम को दुल्हन आएगी, आज शाम को तो आगे का ब्लॉग वो शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि दुल्हन आएगी तो दुल्हन को बधाने वाला और सारा आरती वारती का सारा ब्लॉग बनेगा। ये आप क्या पी रहे हो? मैं और नानी। क्यों भाई? हमको ये अच्छी लगती है, हमको ये अच्छी लगती है। चीयर्स करके पी लो। अभी पी लो। एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी शाम के ना 6 बज रहे हैं, अभी दुल्हन आने वाली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दुल्हन आएगी उसको बधाएंगे, उसकी मतलब एंट्री होगी दुल्हन की, और जो भी छोटे मोटे रीति रिवाज होंगे वो सारे अभी कैप्चर करूँगी मैं और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे कैसे क्या होता है, कि दुल्हन आती है तब कौन से रीति रिवाज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। और आपके यहाँ पे कौन से होते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज भी मैंने लहंगा ही पहना है, थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये सब चीज़ें पहन ली जाए। और कुछ इस तरीके का, काफ़ी पुराना लहंगा है मेरा, मतलब शादी के टाइम का ही ऑब्वियसली, उससे पहले तो नहीं पहनती थी, पर हाँ वो तब का ये एक ही दो बार पहना है और फिर मैंने आज पहना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। अभी बराती सारे आ चुके हैं, लेकिन दूल्हे की गाड़ी और दुल्हन आने बाकी है, क्योंकि वो लास्ट में विदाई विदाई वाला प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वो ही सब कुछ चल रहा होगा, उस वजह से वो लोग पीछे। बाकी मोस्टली 80% बराती रात को ही आ गए थे वापस, एंड बाकी लोग सुबह आ गए थे, कुछ अभी आ गए हैं और अब दूल्हा दुल्हन का वेट हो रहा है। तो चलते हैं, चलिए। और यहाँ पे दुल्हन को बिठाया गया है खेत में, खेत के बीचों बीच, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक वो टाइम नहीं हो जाता शुभ घड़ी, मतलब जिसमें बदा के अंदर लेते हैं, तब तक बाहर ही वेट करना पड़ता है। और जब तक गांव की सारी औरतें आ जाती फ्री होके, ताकि फिर आराम से गीत वीत गा के दुल्हन को अंदर ले सके। दुल्हन देखने जा रहे हो सब जने? नीचे बनाई ना, तुझे बैठा सके नमस्ते सिस्टर यो नहीं। हाँ रात आ गई तो साथ कौन लगाए? अरे ठीक होवे बेलो होवे साथ होवे साथ एक करियो बेद करियो हम लंग सही दिखना हागल सही ही हैंडल। और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका, सारे जेंट्स लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, साइड में लेडीज़ भी खाना खा रही है। और दुल्हन को अभी तक नहीं लाया गया घर पे, क्योंकि गांव में पता नहीं बहुत ज़्यादा लेट ही लेके आते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि दुल्हन को बहुत ज़्यादा लेट ही बताते हैं। सब्जी प्लीज। क्या हो, इतनी जल्दी आ गई? हैं? इतनी जल्दी घूम लिया सब? पहले ये लगाना तो? So guys, मैंने अभी पीयू को सुला दिया, 9:30 हो रहे और अब दुल्हन को अंदर लिया है, मतलब बजा रहे हैं उसको। पीयू बीच में परेशान होने लगी, हमने खाना वाना खाया तो उसको नींद आने लग गई, उसको खाना खिला दिया था मैंने और अभी मैं उसको सुलाने के लिए आई हूँ और ये टाइट करना है मुझे वापस से। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस, वहाँ पे जस्ट पीछे ही घर है तो अभी मैं स्टेयर से जाऊँगी क्योंकि अकेले हूँ तो मुझे बाहर वाले रास्ते से थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ और डोल वोल कब से बज रहा है, फ़ोन सबके आ रहे थे कि स्टार्ट हो गया, पर अब वही है कि उसको सुलाए बिना तो मैं क्या जाऊँ और वहाँ वो देखने कुछ भी नहीं दे रही थी। वो उसका टाइम हो गया सोने का, 9 बज गया। तो बस अब चलिए चलते हैं वहाँ पे और कुछ दिखाते हैं आपको आगे का। स्टार्ट तो हो गया, काफ़ी कुछ निकल गया होगा, मेरे बाल भी सारे बिखर गए क्योंकि उसको सुला रही थी तो साथ में सोना ही पड़ता है बच्चों को। तो मैं ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर निकलते हैं। ये है छत से व्यू, यही वाला घर है चाचा का जहाँ शादी है, तो छत से ही चले जाएँगे हम तो। दुल्हन का घर पे आती है सबसे पहले जो रिवाज होता है वो यही होता है कि थाली कटोरियाँ उसे उठवाई जाती है और यहाँ पे जैसे कि 7 रखते हैं थालियाँ और कटोरियाँ और इसको 7 बार उठाती है दुल्हन और दूल्हा तलवार से इधर उधर करता है जैसे कि आप आगे देखेंगे ही। एंड उठाते वक्त ना बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए थालियों की और कटोरियों की एक दूसरे के अंदर रखते वक्त, मतलब ऐसा कहा जाता है और बाकी सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा खटपट होगी रिश्तों में, और जितना शांति से आराम से लिया जाएगा तो वैसे ही लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति और आसानी से चलता जाएगा। लाइक ऐसा ही कुछ है। और बस फिर जब 7 बार ये सब चीज़ें हो जाती है तो ये सारी थालियाँ घर के जो बड़े होते हैं उनको पकड़ाई जाती है, मतलब ऐसे बैठ के जो भी मतलब दादा दादी मम्मी पापा चाचा ताऊ जो भी होते सबको पकड़ाते और वो अपनी इच्छा से कुछ भी नेक दे देते, लाइक पैसे ज्वेलरी जो भी उनको ऐसे देना होता है। तो ये है और बस आज के लिए इतना ही, और फिर जो भी होगा वो नेक्स्ट डे होगा। देवता के थान फिराने जुआ जुई खिलाना तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, सो बने रहिएगा। एंड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, एंड हिट द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप जल्दी से फटाफट से देख सकें। एंड बस दैट्स इट, बाय बाय।